हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस नई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप एक ऐसी सब्जी की तलाश में हैं जो पनीर से भी ज्यादा टेस्टी हो? सिर्फ एक कटोरी बेसन और दो प्याज से बनने वाली ये सब्जी आपके लिए परफेक्ट है। प्याज की मिठास और मसालों का तीखा स्वाद, बेसन की ये सब्जी आपके मुंह में पानी ला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 4 छोटी साइज की प्याज। अगर आपकी प्याज बड़ी साइज है तो 2 में काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 2 प्याज, तो सिर्फ 2 प्याज आप ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से छील लीजिए और फिर कद्दूकस से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटी प्याज है इसलिए 4 ली हैं, नहीं तो आप 2 ले लीजिएगा। 2 प्याज में काम आराम से बन जाएगा और ये सब्जी जो है 7 से 8 लोगों के लिए बन जाएगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से किस लिया, इसे हम साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। 1 कटोरी बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान कर ले लिया है और इसे अब हम एक थाली में ट्रांसफर कर देंगे। अब गौर से देखेगा कि हम क्या करते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे और ऐसे डाल दीजिए, अच्छे से खुशबू आ जाएगी। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर 2 पिंच के करीब, बढ़िया सा कलर आ जाएगा, और लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हो गए हैं, तो अब ये जो हमने प्याज घिसकर ली थी ना, घिसकर ये इसके ऊपर डालना है और इस तरह से डाल के इसे हमें बेसन के साथ मिक्स कर देना है। इसमें पानी वगैरह हमें ऐड नहीं करना है, जो प्याज में मॉइस्चर है ना, इसी में ये बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और छोटी छोटी बूंदी बनती है ना, इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे हम मीड़ा बनाते हैं ना, मीड़े की सब्जी, जस्ट लाइक इसी तरह से ऐसे अच्छे से हौले हाथ से मिलाना है, बहुत ज्यादा टाइटनी से नहीं मिलाना है। इस तरह से ऐसे मिक्स करना है कि इसका आटा ना बने, बस इसमें छोटी छोटी सी बूंदियां बन जाए बेसन में। हम हाथ से इसे रब करेंगे और रब करते हुए इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए हल्के हाथों से आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया इसमें बूंदी बन रही है। ये देखिए इस तरह से हाथों से बिखराते हुए मिलाना है इसे हमें। ये देख, अगर आपको ये सूखा सूखा ज्यादा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं या प्याज जो है आप बढ़ा सकते हैं, 2 प्याज और किस सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब एक चलनी लेना है स्टील की और ये सारी जो है बेसन इसमें हमें डाल लेना है और इसे छानेंगे ना तो ये बढ़िया से बूंदी बन जाएगी। फिर हम इसे छान लेंगे जिससे बारीक बारीक जो है इसका नीचे निकल आएगा, मोटा मोटा जो है बेसन ऊपर आ जाएगा। देखिए ये बढ़िया से छन गया है, हमने छान लिया है, मोटे मोटे पार्ट्स जो है चलनी में आ गए हैं और ये बारीक जो है ये रह गया है। तो अब एक प्लेट लेकर के इसे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और ये जो बारीक बारीक पीस बचे हैं ना, हम थोड़ा सा पानी का छीटा डालेंगे इसे हाथ में लेकर, बस बहुत हल्का सा छीटा डाल के इसे फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एक ऐसे गोल 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 हम हाथ से करेंगे ना तो आप देख पा रहे होंगे छोटी बड़ी बूंदी टाइप की बन गई है और बेसन जो है बिल्कुल भी हमारा बचा नहीं है, छोटे पार्ट्स भी हैं बड़े भी हैं, और ये जो हमने छान के रखा था ये भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया है, इस तरह बेसन की ये बूंदी बन करके तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गैस को चालू करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल करके गर्म कर लेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को थोड़ी देर चटकने देंगे, आंच को पूरा धीमा कर देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून भर करके, और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो अदरक लहसुन का कच्चापन निकल गया है, 4 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बड़ी साइज की प्याज का पेस्ट और ये डाल करके इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे प्याज का जो कच्चापन है निकल जाएगा। और प्याज का पेस्ट मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून पेपरिका, इससे अच्छा कलर आ जाएगा, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के डाल दें। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। मसाले को हम हल्की आंच पर थोड़ा सा तेल में भूनेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे। अगर आपको लगे ये चिपकने लगा है तो आप इसमें पानी इस स्टेज पर डाल सकते हैं। मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है, अच्छी सी खुशबू आ गई है और मसाले ने तेल छोड़ दिया। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लिया था, ये पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे जिससे टमाटर का जो कच्चापन है निकल जाएगा, अच्छे से मसाले भी भून जाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, धीमी आंच पर मसाले को हम भून लेंगे। तो कढ़ाई को हम कवर कर देंगे, बीच बीच में चलाते हुए से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे।
गैस को चालू करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके ऑयल। ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, या तो 2 चाय के चम्मच डाल लेना, 1 टेबल स्पून डाल लेना, काफी हो गया। और इसे अब हम गर्म कर लेंगे। तेल जैसे गर्म होगा इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा जैसे चटकेगा आंच को धीमा कर देंगे। और ये जो हमने बेसन की बूंदी छोटी छोटी सी बनाकर रखी ना, ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। और फिर अब धीमी आंच पर इसे हम रोस्ट करेंगे, ऐसे चलाते हुए कंटिन्यू। बेसन की है नई सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और चावल के साथ, फुलके के साथ बहुत मजेदार लगती है। और आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से इसे रोस्ट होने में। 4 मिनट तक बेसन को अच्छे धीमी आंच पर भून लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है, बढ़िया से भुन गया है। इसे अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख लें। फिर चलते हैं हम सीधा मसाले की तरफ। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले ने कढ़ाई के सरफेस पर तेल छोड़ दिया है, साइन है मसाले का अच्छे भुनने का। बढ़िया सी इसमें खुशबू भी आने लगी है और दानेदार मसाला भुनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं पहले 2 गिलास पानी लिया है, पहले थोड़ा पानी डाल करके और ग्रेवी में मिलाकर ग्रेवी को चेक करेंगे कितनी गाढ़ी पतली है, इस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं आधा पानी डाल करके। देखिए अभी ग्रेवी जो है बहुत ही ज्यादा गाढ़ी लग रही है, तो इसमें हम बाकी का पानी भी डाल देंगे। ये देखिए मीरा जो है इसमें थोड़ा सा ग्रेवी पतली होती है, क्योंकि पकने के बाद मीरा जब पकता है ना तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एक सी है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। आप चाहें तो 1 आध चम्मच इसमें पानी और भी डाल सकते हैं। एक कढ़ाई को लीड को लगा देंगे और इसमें ग्रेवी में एक उबाला आने तक का हम इंतजार करेंगे। तो आंच को तेज कर देंगे हाई फ्लेम पे, जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। देखिए हल्का सा गर्म हो गई है ग्रेवी और इसका जो तार है जिसे कहते हैं हम, ऊपर आ गया है। तो इस तार को हम चम्मच से हटा लेंगे, क्योंकि जब मीरा इसमें डालकर पकाते हैं ना तो ये तार खत्म हो जाता है, फिर हमें बहुत देर तक सब्जी पकानी पड़ती है तब ये आता है ऊपर। तो इसे हम पहले से हटा लेंगे और सर्व करते समय इसे हम ऊपर से डाल करके सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा तार जो है अलग से उठा लिया है और अब आप देख पा रहे होंगे ग्रेवी में भी उबाला सा आने लगा है। तो इस स्टेज पर इस पे हम डाल देंगे इसमें जो हमने बेसन रोस्ट करके रखा था ना प्लेट में, ये डाल देते हैं एक साथ पूरा, और इसे डालकर चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब कढ़ाई के लीड को लगा लेंगे और इसे हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो आवाज को हमें धीमा कर देना है और 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे सब्जी को पका लेना है। ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद कर गैस पर 2 मिनट के लिए सब्जी को इसी तरह रखकर छोड़ देंगे, जिसे अच्छे से सेट हो जाएगी। सब्जी बनकर तैयार हो गई है, 2 मिनट मैंने इसे गर्म गैस पर रखा और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जो बेसन के हमने बनाया था अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। और ये देखिए कितनी अच्छा बना है, ये देखिए बेहतरीन से बन गया है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म राइस, जीरा राइस के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। कौन सोच सकता था कि बेसन से इतना टेस्टी मीरा बन सकता है। आज हम आपको टेस्टी मीरा बनाकर बताए हैं। अपने खाने में आप नयापन लाना चाहते हैं तो बेसन का मीरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। और आप इसे अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और ऊपर से जो हमने तार अलग से हटाकर रखा था ना, ये डाल करके सर्व कीजिएगा। हरा धनिया डाल दीजिएगा, बढ़िया सी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। सब्जी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।